अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम मिस। वालेकुम सलाम मिस, हम सब ठीक हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और हम आज आपको ये बताएंगे कि इन सब्सटेंसेस में मौजूद एसिड्स वीक क्यों होते हैं। मेरे साथ इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मौजूद हैं मोहसिन, इमरान और फरीना। मिस, हम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस में से एसिड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इमरान, नेचुरल सब्सटेंसेस में आमतौर पर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन बास चीजें खट्टी नहीं होती, लेकिन उनमें दूसरे एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे आलू और गाजर वगैरह। मिस, इसका मतलब है कि ऑरेंज जूस में भी एसिड्स होते हैं। मगर मिस, मेरी अम्मी खाली पेट ऑरेंज जूस पीने से क्यों मना करती हैं? फरीना, ऑरेंज जूस में एसिड की काफी मिकदार पाई जाती है और इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए अगर आप सुबह सुबह कुछ खाने से पहले ऑरेंज जूस पी लें तो इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, इसीलिए आपकी अम्मी मना करती हैं। इसके अलावा लीमू, स्ट्रॉबेरी और टमाटर वगैरह में भी एसिड्स पाए जाते हैं। मिस, क्या आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में फर्क बता सकती हैं? और हमें कैसे पता चलेगा कि मौजूदा शय में एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक? फरीना, आपने बहुत अहम सवाल किया है और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस में वीक एसिड्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आबी सॉल्यूशंस में ब्रेकअप होकर बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव आइंस देते हैं, जबकि वीक एसिड्स आबी सॉल्यूशंस में कम एच पॉजिटिव आइंस देते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम ये देख सकते हैं आया के सब्सटेंस एसिडिक है या अल्कलाइन है। इसके अलावा इस इंडिकेटर से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग। लेकिन उससे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से मुताल्लिक एक एनिमेशन देखते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में तकसीम किया गया है। नेचुरल सब्सटेंसेस में आमतौर पर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेकिन बास चीजें खट्टी नहीं होती, मगर उनमें दूसरे एसिड्स पाए जाते हैं, मसलन आलू और गाजर वगैरह। इन सब्सटेंसेस में मौजूद एसिड्स आमतौर पर वीक होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में हल होकर बहुत से एच पॉजिटिव आयन बनाता है, जबकि वीक एसिड्स पानी में कम एच पॉजिटिव आयन देता है। ताकतवर और कमजोर एसिड में फर्क जानने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब एक नजर हमारे सामने डेस्क पर मौजूद अपैरेटस पर डालते हैं। हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए चाहिए पीएच पेपर स्ट्रिप्स, पीएच चार्ट, विनेगर, लेमन जूस, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, एचसीएल, डिस्टिल्ड वाटर और 6 टेस्ट ट्यूब्स। आइए स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। अब इस एसिड को डाइल्यूट करने के लिए इसमें इतनी ही मिकदार में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अगले मरहले में एक पीएच पेपर स्ट्रिप लेंगे और उसका एक सिरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में डिप करेंगे। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पीएच पेपर का वो हिस्सा जो हमने सोल्यूशन में डिप किया है उसको टच ना किया जाए, ताकि जब हम उसे पीएच चार्ट से मैच करें तो हमारी ऑब्जर्वेशन मुतासिर ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम पीएच पेपर स्ट्रिप को कलर चार्ट से मैच करेंगे। हमने पीएच पेपर स्ट्रिप को कलर चार्ट से मैच किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू 1 आ रही है। मिस, हम इसी तरह बारी बारी बाकी सैंपल्स की भी पीएच वैल्यू मालूम करेंगे। जी इमरान, हमारे पास अगला सैंपल लेमन जूस है। मिस, लेमन जूस की पीएच वैल्यू मालूम करने का वही तरीकेकार होगा ना, जिस तरह हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू मालूम की है? जी हाँ, वही तरीका कार होगा। अब हम एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें लेमन जूस की थोड़ी मिकदार लेंगे। अब
अब हम इसे डाइल्यूट करने के लिए इसी मिकदार में डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। अब हम एक पीएच पेपर स्ट्रिप लेंगे और उसका एक सिरा इस लेमन जूस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अब हम इसे पीएच चार्ट से मैच करेंगे। मिस, मैं देख सकता हूं कि इसकी वैल्यू 4 आ रही है। अब हम इसी तरह एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें ऑरेंज जूस डालेंगे। अब इसमें इतनी ही मिकदार डिस्टिल्ड वाटर की डालेंगे ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। अब हम एक पीएच पेपर स्ट्रिप लेंगे और उसको ऑरेंज जूस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अब इसे पीएच चार्ट से मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 5 आ रही है। अब हम एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें एप्पल जूस डालेंगे। अब इसे डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें इतना ही डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। अब हम पीएच पेपर की फिर एक स्ट्रिप लेंगे और इसको इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अब इसे पीएच चार्ट से मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 4 आ रही है। अब हमारे पास एक लास्ट सैंपल रह गया है और वो है विनेगर। अब हम फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें विनेगर डालेंगे। अब इसमें इतना ही डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। अब इसमें पीएच पेपर स्ट्रिप डालेंगे अब इसे पीएच चार्ट से मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 3 आ रही है। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने पांचों सैंपल सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यूज मालूम कर ली हैं। हमारे पास पीएच वैल्यूज क्या आई हैं, इसके लिए हम एक नजर ऑब्जर्वेशन टेबल को देखेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप में से कोई ऑब्जर्वेशन टेबल देखकर ये बता सकता है कि हमारे पास मुख्तलिफ सैंपल सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यूज क्या आई हैं? जी मिस, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू से स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 आई है और लेमन जूस की पीएच वैल्यू 4 आई है और ऑरेंज जूस की पीएच वैल्यू 5 आई है। और मिस, एप्पल जूस की पीएच वैल्यू 4 आ रही है जबकि विनेगर की पीएच वैल्यू 3 आ रही है। जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। अब हम इन सैंपल सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यूज को ऑब्जर्व करके ये नतीजा अखस कर सकते हैं कि वो तमाम एसिड्स जो नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं वीक एसिड्स होते हैं। आइए एक नजर इस प्रैक्टिकल का रीकैप कर लेते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा कि इनमें वीक एसिड्स मौजूद होते हैं। इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इस एसिड को डाइल्यूट करने के लिए इतनी ही मिकदार में डिस्टिल वाटर शामिल किया और फिर हम एक पीएच पेपर स्ट्रिप लेंगे और इसका एक सिरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। इसके बाद हमने पीएच पेपर स्ट्रिप का कलर कलर चार्ट से मैच किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 1 आ रही थी। फिर हमने इस तरीकेकार को अपनाते हुए एक और अलग टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस का सॉल्यूशन लिया और इसमें पीएच पेपर डिप किया और फिर इस पेपर के कलर को कलर चार्ट से मैच किया। फिर हम अपने बाकी तीनों सॉल्यूशन सैंपल्स की पीएच वैल्यू मालूम की और आखिर में हमने साबित किया कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस में वीक एसिड्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको खुदा हाफिज कहूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।
नदी नालों और झीलों का पानी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक हो जाता है जो कि एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ के लिए नुकसानदेह होता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस।